डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 1 हल करेंगे। टॉपिक द ब्रेन। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। सो ये ब्रेन की डायग्राम है। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करेंगे। ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम 4 लोब्स में डिवाइड होता है। ये फ्रंट वाला जो लोब है ये फ्रंटल लोब, और टॉप वाला लोब पैराइटल लोब, और ये जो बैक पे होता है लोब दिस वन इज ऑक्सिपिटल लोब, और ये जो दोनों साइड्स पर होता है पार्ट इज ये पार्ट कौन सा है टेम्पोरल लोब, एंड दिस वन इज सेरिबेलम, एंड दिस पार्ट इज ब्रेन स्टेम। नाउ ब्लैंक नंबर 1। द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द बॉडीज नर्वस सिस्टम। ब्रेन बॉडी के नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इज योर ब्रेन डैश व्हाइल यू आर अ स्लीपिंग। योर ब्रेन नेवर रेस्ट। आपका ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं करता उस वक्त जब आप सो रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज ब्रेन सेंड्स मैसेजेस अराउंड द बॉडी। ब्रेन आपकी बॉडी को मैसेज सेंड करता है। दिस मैसेज ट्रेवल्स एट मोर देन डैश किलोमीटर पर आवर। सो आपकी बॉडी में मैसेज सेंड करने की स्पीड कितनी है ब्रेन की 240 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 250 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। द ऑक्सिपिटल लोब इट प्रोसेस व्हाट यू सी। ये प्रोसेस करता है कि हम क्या देखते हैं, तो देखने में हेल्प कौन करता है ऑक्सिपिटल लोब। टेम्पोरल लोब इट कंट्रोल मेमोरी। टेम्पोरल लोब हमारी मेमोरी यानी याददाश्त को कंट्रोल करता है। स्पीच एंड प्रोसेस व्हाट यू हियर, और ये प्रोसेस करता है कि हम क्या सुनते हैं। नेक्स्ट द फ्रंटल लोब इट कंट्रोल रीजनिंग। ये रीजनिंग को कंट्रोल करता है, प्लानिंग को, इमोशंस यानी जज्बात को, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और मसाइल के हल करने को। लास्ट वन इज पैराइटल लोब इट कंट्रोल मूवमेंट। ये मूवमेंट यानी हरकत को कंट्रोल करता है, रिकॉग्नाइजेशन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, एंड सम सेंसेस और कुछ सेंसेस में भी हेल्प को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो पैराइटल लोब मेमोरी रिकॉग्नाइजेशन और सम सेंसेस को कंट्रोल करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू द ब्रेन डू। ब्रेन का क्या काम है। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द बॉडीज नर्वस सिस्टम। ब्रेन आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन सेंड मैसेजेस। ब्रेन मैसेज भेजता है अराउंड द बॉडी पूरी बॉडी में, सो डेट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू देम, ताकि आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स को ये पता चल जाए कि क्या करना है और कब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।